हेलो नमस्कार आदाब सत्यकाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो इंडिया में तो फेमस है ही लेकिन वर्ल्ड में भी फेमस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनेस्को की सूची में वह स्थान है। तो भी जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बिना देरी करे चलते। और अभी हम जा रहे हैं आसन कंजर्वेशन रिजोर्ट की तरफ, आसन बैराज। वहाँ पर झील है, वहाँ पर बोटिंग होती है और विदेशी पक्षी भी ठंडियों में वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। आप जो बर्ड लवर है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, ठंडियों में विदेशी पक्षी देख सकते हैं वहाँ पर। और ये मेन देहरादून से लगभग पड़ेगा 45 किलोमीटर, और नियरेस्ट जो हवाई अड्डा है वो पड़ता है यहाँ का जोली ग्रांट, और नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है देहरादून। और आप यहां पर बहुत इजीली आ सकते हो, और हिमाचल बॉर्डर भी यहां से 4-5 किलोमीटर की दूरी में है, और यहां से 5-6 किलोमीटर की दूरी में पौंटा साहिब पड़ेगा। पौंटा साहिब गुरुद्वारा आपने काफ़ी सुना होगा, और घूमने के लिए यहां पर काफ़ी अच्छा है, तो दिखाते हैं आपको अंदर चल के। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं आसन कंजर्वेशन रिजोर्ट, और यहाँ का नज़ारा देखिए, पीछे झील है और यहाँ से एंट्री है। तो चलिए अंदर ले जाता हूँ मैं आपको, और अंदर का नज़ारा भी दिखाता हूँ और यहाँ के बारे में भी आपको बताता हूँ। आपको जो झील दिख रही है पीछे, यहाँ पर बोटिंग भी होती है। अभी यहाँ पर बोटिंग बंद करी है क्योंकि बरसात का मौसम है, तो इसलिए बोटिंग बंद करी है। तो अक्टूबर, मैंने अभी पूछा, अक्टूबर 15 के आसपास बता रहे कि बोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अक्टूबर माह से यहाँ पर जब ठंडियाँ आती है, ठंडियाँ स्टार्ट होती है, यहाँ पर विदेशी पंछियाँ आते हैं, विदेशी बहुत सारे यहाँ पर पक्षी आते हैं। और जिनमें से मैं आपको नाम बता देता हूँ, जिनमें से कुछ मैन का जो मैं नाम बताता हूँ, एक है सुरखाव, एक है किंगफिशर आपने देखा भी होगा, बोटल भी आती है, और एक है रेड किंगफिशर, और एक है रेड स्नैक, एक है ग्रीन स्नैक, रेड स्नैक ग्रीन स्नैक ये भी पक्षी के नाम है, आप सांप मत समझ लेना इसे। और ये जो जगह का महत्व तो इसी से आप लगा सकते हो कि यूनेस्को की लिस्ट में भी यह जगह लिस्टेड है। और रामसर, ये उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है, ये आसन बैराज उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है। और रामसर जो साइट है वो है यूनेस्को द्वारा 1971 में एक अंतर सरकारी पर्यावरण एक संधि है जो 1975 से लागू हुई थी। और रामसर एक ईरान में जगह पड़ती है, रामसर एक शहर है ईरान का, वहाँ पर ये संधि हुई थी यूनेस्को द्वारा। और पूरे भारत में ये कम से कम 50 के आसपास है रामसर साइट, और उत्तराखंड का ये पहला रामसर साइट है आसन बैराज। और यहाँ पर विदेशी जो पंछी आते हैं अक्टूबर से लगभग मार्च माह तक रहते हैं। और जो सुरखब मैंने आपको पक्षी बताया वो बहुत ही प्यारा पक्षी होता है, आप गूगल में भी उसको देख सकते हैं। और सुरखब पक्षी के बारे में ये बताया जाता है कि वो पक्षी जिसको भी दिखता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, और अगर आपको उसका पंख मिल जाए तो उसका पंख, ऐसा बताया जाता है, जो मान्यता है कि उसका पंख अगर आप अपने घर में रखोगे तो सुख समृद्धि रहती है, धन आता है घर में,
और हमेशा मतलब लक्ष्मी का वास हो जाता है आपके घर में। और जो सुरखब पक्षी होता है इतना मतलब शुभ मानते हैं उसे कि उसका अगर नाखून आपको मिल जाए तो उसका नाखून का ताबीज बना के आप अपने गले में लाल कपड़े लाल धागे से अपने गले में टांग देना। इससे जो कुंडली में जितने भी दोष होंगे वो सारे दोष अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। सुरखा पंखी बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही सुंदर होता है। मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, खैर क्योंकि मैं भी इतना भाग्यशाली हूँ नहीं, मैंने भी गूगल में ही देखा है। और किंगफिशर जो मैंने आपको बताया था पक्षी, वो तो सबने देखा ही होगा, किंगफिशर बोटल में पक्षी रहता है। और ये सारे साइबेरिया एरिया से आते हैं, साइबेरिया हो गया आपका, चाइना हो गया आपका, कजाकिस्तान हो गया, इस एरिया से यहाँ पर आते हैं ये सारे पक्षी। और अक्टूबर माह में स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर आना और मार्च माह तक रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो आपको झील दिख रही है, ये आसन नदी और शक्ति नहर के संगम में बनी है ये झील, आसन झील बोलते हैं इसे। टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, आजकल थोड़ा बोटिंग नहीं हो रही है तो इसलिए टूरिस्ट भी नहीं आ रहे यहाँ पर। और पीछे आपको रूम दिख रहे हैं, ये बने हुए हैं, ये गढ़वाल मंडल विकास निगम की आपको साइट से बुक करने पड़ेंगे। और 2800 रुपये का पर नाइट, एक नाइट का आपका 2800 रुपये का इसका चार्ज है। आप चाहे तो बुक कर सकते हैं और यहाँ रहने का आप आनंद उठा सकते हैं। ये पीछे झील है, देखिए इधर रिजोर्ट है, यहाँ पर आप कुछ खा भी सकते हैं, मंगा सकते हैं अपने लिए, नीचे किचन है। और जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ये ब्रिज है और आसन बिराज का बैक साइड है। और ये पीछे झील है, यहाँ पर डैम बना हुआ है और यहाँ से पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो पानी यहाँ से छोड़ देते हो, इधर से होते हुए यहाँ से पानी हिमाचल होते हुए हरियाणा होते हुए चले जाता है, हथनी कुंड जाता है सीधा यहाँ से पानी। चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग भी और ब्लॉग की तरह बहुत पसंद आएगा और जो मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए फिर मिलते हैं।